हेलो एवरीवन, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को डिटेल में समझ लिया था। उसके बाद हम आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम कभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो हम इनपुट करंट को कॉन्स्टेंट रख देते हैं और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सीई वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमारी आई बी जो होगी वो इनपुट करंट होगी, उसे हम क्या रख लेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कॉन्स्टेंट कर लेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे वी सी ई और आई सी के बीच में। ये ग्राफ मैंने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये है हमारी आउटपुट करंट और जो आई बी हमने कांस्टेंट रखी है ये है हमारी इनपुट करंट। फिर जैसा कि हमने पहले सी बी कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ा था, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी इस ग्राफ में तीन रीजन्स होते हैं। पहला रीजन है एक्टिव रीजन, दूसरा है सेचुरेशन रीजन और तीसरा है कट ऑफ रीजन। तो सबसे पहले हम एक्टिव रीजन की बात करते हैं, इसे हिंदी में सक्रिय क्षेत्र भी कहते हैं। सबसे पहले तो इस वाले रीजन के अंदर हमारी जो फर्स्ट जंक्शन होती है एमिटर बेस जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायसिंग पे होती है और जो हमारी कलेक्टर बेस जंक्शन होती है वो रिवर्स बायसिंग पर होती है। ऐसा रीजन एक्टिव रीजन कहलाता है और ये रीजन आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो से ऊपर और सेचुरेशन रीजन के राइट हैंड साइड का कर्व होता है, यानी सेचुरेशन रीजन से राइट हैंड साइड और कट ऑफ रीजन से ऊपर की तरफ का जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि ये सारे जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होते हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमने जो लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये सारे ही जो कर्व थे वो एग्जैक्टली पैरेलल थे एक्स एक्सिस के, बट यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व्स आर नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो कर्व है ये वी सी ई वोल्टेज पर भी डिपेंड करते हैं। मैं आपको सी बी वाला ग्राफ दिखाती हूँ। ये है हमारा सी बी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राफ। यहाँ हमने देखा था ये जो एक्टिव रीजन में ग्राफ्स है ये एक्स एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल है, लेकिन उसे अगर हम इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के ग्राफ से कंपेयर करें तो ये वाले जो कर्व्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का ये मतलब था कि ये वाली जो आई सी की वैल्यू है यानी इस करंट की जो वैल्यू है वो इस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब था, चाहे हम वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करें लेकिन करंट अप्रॉक्सीमेटली क्या थी, हमारी कांस्टेंट थी। लेकिन अगर हम इस कर्व को देखें तो यहाँ पर ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, यानी ये जो हमारी करंट है आई सी ये वी सी ई पर डिपेंड करती है। तो इस कर्व के एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होने का ये मतलब है कि जो करंट आई सी है हमारी वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज वी सी ई। ये हमारी आउटपुट करंट इस आउटपुट वोल्टेज पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। एंड नेक्स्ट थिंग, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है लेकिन ये सारे ही कर्व्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। All curves are almost parallel to each other. इसका ये मतलब है कि वी सी ई की वैल्यू को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एक फिक्स रेशियो में तो करंट जो होगी वो भी फिक्स रेशियो में इंक्रीज होगी। इनकी स्लोप लगभग बराबर है। पैरेलल होने का क्या मतलब है कि इनकी स्लोप बराबर है, यानी अगर आप वी सी ई की वैल्यूज़ को थोड़े फिक्स रेशियो में चेंज करेंगे तो आई सी की वैल्यू भी उसी हिसाब से हर एक कर्व के लिए चेंज होगी। ठीक है,
यही एक कारण है कि हमारे इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एम्पलीफायर। इस रीजन को हम किस में यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर या फिर प्रवर्धक के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्शन कम होता है और बिना किसी विरूपण के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के हमको आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर सारे ही कर्व्स जो है वो एक तरह से चेंज हो रहे हैं, इनका स्लोप क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, इस वजह से हमारा जो आउटपुट होगा उस पर डिस्टॉर्शन मिनिमम होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो हमारा ये सी ई वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, वो हमारे सी बी कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में कम होगा। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो V अपॉन आई के बराबर होता है। तो एक बार हम सबसे पहले सी बी कॉन्फ़िगरेशन को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही हूँ तब भी करंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर चेंज इन करंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। उस वजह से ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कैसा हो जाता था, इनफाइनाइट हो जाता था, यानी हमारे सी बी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले कर्व में, तो अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर रही हूं तो करंट की वैल्यू में भी हल्का सा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। यानी इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम आती है एज कंपेयर टू सी बी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस इन सी ई कॉन्फ़िगरेशन इज मच लेस देन सी बी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू तो मिल ही जाती है, इस वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट नहीं हो करके उससे थोड़ा कम होता है, इस वजह से ये सी बी वाले कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा कम होता है। ये है हमारा एक्टिव रीजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कट ऑफ रीजन। सबसे पहले तो कट ऑफ रीजन क्या होता है, आई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के नीचे वाला जो ग्राफ होता है, ग्राफ एरिया बिलो आई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो से नीचे वाला जो ग्राफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा सी ई वाला ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर वाला, इसके अंदर कट ऑफ रीजन इतना स्पष्ट नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता, हमें ईजीली मिलता नहीं है, इस वजह से इसको हल्का सा स्लाइटली रिवर्स बायस करना पड़ता है। इसकी जो बायसिंग है स्लाइटली रिवर्स्ड बायस करना पड़ता है, किसको, बेस एमिटर जंक्शन को। जो हमारा फर्स्ट जंक्शन होता है, बेस एमिटर जंक्शन, उसे हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स बायसिंग पर करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर हमारा जो सी बी जंक्शन है वो रिवर्स बायसिंग में है, और कट ऑफ रीजन लाने के लिए अगर हम ई बी को भी रिवर्स बायसिंग में कर दें तो हम ये देखेंगे कि कट ऑफ रीजन के अंदर बोथ द जंक्शन रिवर्स बायसिंग के अंदर काम करते हैं। समझ में आया, ये होता है हमारा कट ऑफ रीजन। और आई बी ज़ीरो होने पर भी आई सी की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती है, इसे हम लीकेज करंट कहते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट रीजन देखेंगे, सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट रीजन है हमारा सैचुरेशन रीजन या फिर संतृप्त क्षेत्र। तो जब वी सी ई की वैल्यूज़ बहुत ही कम होती है उस रीजन के अंदर, आई सी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी सी ई के। क्या मतलब है इस लाइन से, कि ये वी सी ई, इसकी कम वैल्यूज़ के लिए ये एक लीनियर रीजन मिलता है हमको। लीनियर रीजन का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप वी सी ई को थोड़ा भी इंक्रीज़ करेंगे, आई सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, इसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। यहाँ अगर आप आई सी ई को थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो, ये वी सी ई को थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो आई सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर इसको कम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आई सी जो होती है वो पूरी तरह से इस रीजन में वी सी ई पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रीजन के अंदर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, और दोनों ही जंक्शंस, बोथ द जंक्शंस
इन फॉरवर्ड बायसिंग। दोनों ही जंक्शन किस में आ जाते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाते हैं और हमारी करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। ये थे हमारे तीन रीजन्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। अब हम पढ़ेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जो हमारा सी बी कॉन्फ़िगरेशन था उसके अंदर हमने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या धारा प्रवर्धन गुणांक को अल्फ़ा से डिनोट किया था। इस केस में हम धारा प्रवर्धन गुणांक को बीटा से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम बीटा डी सी कैलकुलेट करेंगे। करंट एम्प्लीफिकेशन, धारा प्रवर्धन, इसका यह मतलब होगा कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो यहाँ पर आउटपुट है हमारी आई सी और इनपुट है आई बी, जबकि हम आउटपुट वोल्टेज को क्या रखें? कांस्टेंट रखें। उस केस में इन दोनों का रेशियो जो होता है वो हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक कहलाता है बीटा। अब ये डीसी यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बीटा डीसी होगा, और अगर इसमें चेंज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बीटा एसी। कि आउटपुट करंट में चेंज और इनपुट करंट में चेंज का रेशियो जबकि वीसीई को कांस्टेंट रखा जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? बीटा एसी। इसे हम स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक कहेंगे और इसे हम गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक कहेंगे। अब हम निकालेंगे बीटा और अल्फ़ा के अंदर रिलेशन। जो हमने सी बी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अल्फ़ा निकाला था और जो हमने अभी बीटा निकाला है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी की वैल्यूज़ को रख लिया है। अब आप जानते हैं कि एमिटर करंट जो होती है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ पर मैं दोनों साइड अगर आई सी से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी प्लस वन। अब आप देख सकते हैं आई सी अपॉन आई ई अल्फ़ा डी सी होता है, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा तो हमें मिलेगा आई ई अपॉन आई सी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? वन अपॉन अल्फ़ा डी सी। इसी तरह से आई सी अपॉन आई बी बीटा डी सी होता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि आई बी अपॉन आई सी वो किसके बराबर हो जाएगा? वन अपॉन बीटा डी सी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन। इससे हम क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा डी सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे मिलेगा वन अपॉन अल्फ़ा डी सी इज़ इक्वल टू वन प्लस बीटा डी सी अपॉन बीटा डी सी। ठीक है, ये मैंने एल सी एम ले लिया। तो यहाँ से मुझे मिलेगा अल्फ़ा डी सी इज़ इक्वल टू, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ तो ये टर्म भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी, बीटा डी सी अपॉन वन प्लस बीटा डी सी। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा डी सी और बीटा डी सी के अंदर। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूँ, यानी कि मैं बीटा डी सी की वैल्यू निकालूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो प्लस वन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा वन अपॉन बीटा डी सी। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें हम तो इससे ये मिलेगा, यहाँ से अगर मुझे बीटा डी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा अल्फ़ा डी सी अपॉन वन माइनस अल्फ़ा डी सी। ये हमारे दो रिलेशनशिप है बीटा और अल्फ़ा के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं ये अल्फ़ा डी सी और बीटा डी सी की वैल्यूज़ है। ये तो है आपकी स्थैतिक अवस्था। अगर इसमें आपको गतिक अवस्था या डायनेमिक कंडीशन निकालनी हो तो आप यहाँ क्या कर लेंगे? डेल आई ई इज़ इक्वल टू डेल आई बी और डेल आई सी। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ स्थैतिक अवस्था, ठीक है। और अगर आपको गतिक अवस्था या डायनेमिक कंडीशन के लिए निकालना हो, यानी कि इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, सारी चीज़ों का चेंज कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। डेल आई सी से अगर मैं सब तरफ डिवाइड कर दूँ तो डेल आई ई अपॉन डेल आई सी प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस वन। ये हो जाएगा वन अपॉन अल्फ़ा ए सी इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फ़ा, सॉरी, बीटा ए सी प्लस वन। ये दोनों ही रिलेशन में जहाँ पर भी डी सी है वहाँ पर ए सी हो जाएगा और एज इट इज़ आपको अल्फ़ा ए सी और बीटा ए सी की वैल्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने दोनों डायनेमिक पोजीशंस के लिए भी अल्फ़ा एसी और बीटा एसी की वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सीखेंगे लीकेज करंट के बारे में। तो हमने ये रिलेशनशिप को लिख लिया है कि एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अब जो कलेक्टर करंट होती है वो अपनी मेन वैल्यू
प्लस लीकेज करंट के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं IC को लिखूँ तो सबसे पहले तो IC की हम यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं, IC इज इक्वल टू अल्फा DC इंटू IE, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा DC इंटू IE। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अल्फा DC इंटू IE और प्लस में ये ICO यानी लीकेज करंट के बराबर होती है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, IE जो है वो IC प्लस IB के बराबर है, तो इससे हमें मिलेगा अल्फा DC IC प्लस IB प्लस ICO। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूँगी तो अल्फा DC IC प्लस अल्फा DC IB प्लस ICO, इस टर्म को मैं यहाँ पर सेंड करूँगी और IC को कॉमन निकाल लूँगी तो मुझे मिलेगा 1 माइनस अल्फा DC इज इक्वल टू अल्फा DC IB प्लस ICO। यहाँ से मुझे IC की टोटल वैल्यू मिलेगी अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC IB प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर IB ज़ीरो हो, इफ़ IB इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हमने इनपुट सर्किट को ओपन रखा है, ओपन इनपुट सर्किट, या फिर हम ये कह लें कि बेस सर्किट को या बेस टर्मिनल को हमने क्या रखा है, ओपन रखा है, बेस टर्मिनल ओपन, वहाँ पर हमने कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाई है यानी कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है, उस केस में ये पूरी टर्म ज़ीरो होगी, तब भी IC इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। IB के ज़ीरो होने पर भी IC ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, और IC जो है यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं IB ज़ीरो होने पर IC इसके बराबर होगी, और इस टर्म को हम कहते हैं ICEO। क्या कहते हैं? ICEO, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे हम कहते हैं कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट। क्या कहा जाता है इसे? कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट, ठीक है, इसे शरण धारा कहा जाता है। कि जब आप इनपुट सर्किट को अगर ओपन भी रख ले तब भी आपके आउटपुट सर्किट में करंट जो है वो कुछ मात्रा में फ्लो होती रहती है, जिसे हम कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट कहते हैं। अगर इसे आपको सर्किट के थ्रू समझाऊं तो यहाँ आप देखिए कि हमने बी बेस टर्मिनल पर कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया है, आई बी को हमने ज़ीरो के बराबर रखा है, तब भी हमें कलेक्टर से होते हुए एमिटर की तरफ एक करंट फ्लो होती हुई मिलेगी, जिसे हम कहेंगे कलेक्टर टू एमिटर लीकेज करंट व्हेन बेस टर्मिनल इज़ ओपन। ओके, यहाँ हमने हमारे सी ई कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।